आज के 10 साल बाद अपने आप को देखो कि आप कहाँ होंगे। अगर आज आप मेहनत नहीं करोगे तो आज के 10 साल बाद आपकी असली हार होगी, जब आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। आज आप लगातार हर साल 8 से 10 एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन कोई भी एग्ज़ाम आपका निकल नहीं रहा है, कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो। तो आपको लग रहा है ना कि आप हार रहे हो, आपसे कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, आप सरकारी नौकरी के लिए बने ही नहीं हो, है ना? यही मन में बार बार चल रहा है ना। लेकिन असली हार आज नहीं हो रही है आपकी, असली हार आपकी 10 साल बाद होगी, जब आपके पास नौकरी नहीं होगी, जब आप कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे होंगे 10-12-15 हज़ार की, और जब आप अपने हम उम्र के व्यक्ति को देखेंगे सरकारी नौकरी करते हुए, जिसका जीवन बहुत अच्छा होगा, सरकारी क्वार्टर होगा, खुद की गाड़ी होगी, अच्छा बैंक बैलेंस होगा, अच्छी मेडिकल सुविधाएं होंगी, माँ बाप को अच्छी तरीके से रख रखा होगा, अच्छी शादी होगी, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में अच्छी से अच्छी शिक्षाएं दे रहे होंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे होंगे। आप वही ज़िंदगी, घिसी पिटी वाली ज़िंदगी जी रहे होंगे, और फिर तब आपके अंदर मोटिवेशन, वो जोश आएगा कि काश मैं 10 साल पहले हार नहीं मानता। क्या हुआ कि मेरा हर एग्ज़ाम खराब हो रहा था, एक ना एक एग्ज़ाम मेरा सही होता। और वही चीज़ मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि 10 साल बाद आपकी हार होगी, आज नहीं होगी। यार अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो, आप अपने एग्ज़ाम पे फोकस नहीं कर रहे हो। एक बार शांत मन से, एक बार कंटिन्यू होकर, एक बार दृढ़ निश्चय कर डिसिप्लिन होकर एक बार अच्छे से पढ़ लो। एक बार आप किसी एग्ज़ाम को टारगेट कर लो, मन से करोगे सही में इस बार निकलेगा। एक बार मन से टारगेट बना के लिख कर कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, अपने पापा मम्मी के लिए निकालना है, अपने भविष्य के लिए निकालना है, बस ठान लो, अपने सपने में उस नौकरी को बैठा लो। आपको रेलवे में लोको पायलट बनना है, आपको पुलिस में जाना है, आपको रेवेन्यू ऑफिसर बनना है, आपको रिव्यू ऑफिसर बनना है, आपको लेखपाल बनना है, आपको बैंक में अधिकारी बनना है, जो भी एग्ज़ाम आपको निकालना है, सबसे पहले उस एग्ज़ाम पे फोकस करो, उस एग्ज़ाम के सिलेबस को लिखो और लड़ जाओ। समय को ख़राब मत करो। आप एग्ज़ाम में जाते हो परीक्षा देने, एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जब आप परीक्षा को लिखते हो, चाहे OMR शीट पे भरते हो, चाहे CBT देते हो, आप वही सिचुएशन अपने घर में प्रतिदिन बनाओ, यानी कि आप मॉक टेस्ट दो लगातार। जिसने 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने लगातार प्रतिदिन सुबह शाम मॉक टेस्ट दिए होंगे, क्या वो बंदा हार सकता है? नहीं हार सकता। अगर आप लगातार अपने एग्ज़ाम वाला माहौल अपने घर में बनाओगे, अपने माँ बाप का चेहरा याद कर कर, तो आपका एग्ज़ाम निकलेगा, अवश्य निकलेगा। यार इस भीषण गर्मी में एक बार बाहर निकल के देखो, जो मजदूर 1000 ईंट तीसरे चौथे माले पे चढ़ा रहा है, क्या उससे मुश्किल है घर में बैठकर पढ़ाई करना? एक रिक्शे वाला बहुत सारा सामान लेकर अपने रिक्शे में धूप में, कड़ी धूप में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, क्या उससे ज़्यादा मेहनत है आपको पढ़ाई करने में? आप अपने दिमाग को फालतू में थका रहे हो। एक बार अपने दिमाग को बाईपास कर लो, हारने दो, थकने दो, नहीं आने दो, बैठ जाओ लेके, सवाल नहीं बन रहे हैं मत बनने दो, लेकिन लगे रहो, देख के फोटोकॉपी करते रहो, लिखते रहो, बनाते रहो, देख देख के आंसर का सोल्यूशन देते रहो, अपने आप को पागल बनाओ। इसी को तो मेहनत कहते हैं। मेहनत उसको नहीं कहते हैं कि आपने एक बार यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा और सीख लिया और सीख के आप क्वेश्चन बनाने लग गए, उसको मेहनत नहीं कहते हैं। मेहनत उसको कहते हैं जब आपको चीज़ें आती नहीं हैं, जब आपको सवाल समझ में नहीं आते, जब आपको चैप्टर याद नहीं होते, जब आपको थ्योरी याद नहीं होती, और फिर भी आप लड़े भिड़े लगे रहते हैं उसके पीछे। आपको हिस्ट्री नहीं याद होती, आपको पॉलिटी नहीं याद होती, आपको रीजनिंग बनाना नहीं आता, आपको मैथ नहीं आता, लेकिन फिर भी आप देख देख के लगे हुए हैं, बार बार बना रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को आप 10-10, 20-20, 50-50 बार बना रहे हैं। एक एक GS के क्वेश्चन को आप 1000-1000 बार रिपीट कर ले जा रहे हैं। एक GS की थ्योरी को आप प्रतिदिन 10-12 बार लिख लिख कर याद करे जा रहे हैं। उसको कहते हैं मेहनत। लेकिन ये मेहनत हर किसी के बस की नहीं है। ये मेहनत करने से इंसान अंदर ही अंदर टूटता है, उसको लगता है कि मैं गधा हूँ। ऐसे थोड़ी ना एग्ज़ाम निकलेगा बार बार लिखने से, ऐसे थोड़ी ना एग्ज़ाम निकलेगा रट्टा लगाने से, लेकिन ऐसे ही होता है। जब बार बार विफलताओं की सीढ़ी चढ़ोगे ना, तो एक दिन अपने आप
सफलता तक पहुंचोगे। और ये विफलताएं ही होती हैं जहां पर 99% लोग हार मान जाते हैं, केवल 1% इंसान सफलता तक पहुंचता है। आप खुद देख लो, आप जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो उसमें लाखों फॉर्म गिरेंगे, पोस्ट होंगे कुछ सौ कुछ हज़ार, अगर उसका प्रतिशत निकालोगे तो केवल 1% निकलता है। और वो 1% वही इंसान बनता है जो घर में बैठकर बार 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 हारने की तपस्या करने की इच्छा करने की क्षमता को उजागर करता है, यानी कि अपने आप को बार बार हाराता है, अपने घर में बैठकर रोता है गाता है लेकिन हारता है, रोज़ हारता है, क्योंकि किसी को नहीं पता उसके एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, सेम टू सेम कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। बस एक अनुमान है कि मेरे एग्ज़ाम में ये आएगा यहाँ से आएगा, लेकिन उसी चीज़ को बार बार अपने घर में करके हारते रहना, बार बार 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना और हारना, 100 में से 30 नंबर लाना, 100 में से 20 नंबर लाना, 100 में से 30 नंबर लाना, 100 में से 20 नंबर लाना, 100 क्वेश्चन को बनाने में 3 घंटे लगाना लेकिन क्वेश्चन केवल 20 सही करना, ये रोज़ रोज़ करोगे, रोज़ रोज़ करोगे, टूटोगे हारोगे, टूटोगे हारोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब आप रियल में वास्तविकता में अपने रियल एग्ज़ाम सेंटर में बैठोगे ना, तो जो आपने कड़ी तपस्या करी थी ना घर में बैठकर, कड़ी मेहनत करी थी कि मुझे ये सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे जो हो जाए, चाहे लाइट हो या ना हो, चाहे भूख लगे प्यास लगे तबीयत खराब हो, मुझे नहीं लेना देना था, मैंने तपस्या की, मैंने मेहनत की, उन्हीं सब मॉक टेस्ट में से आपके सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और वो तपस्या सफल हो जाएगी, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, समझे? तो आशा करता हूँ आपको कुछ समझ आया होगा। बार बार हारने को हार नहीं कहते हैं, बार बार हारो लेकिन कल को अच्छा बनाने के लिए आज हारो। हारना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, भूख प्यास तबीयत खराब, घर पे बात कर लेना, उससे बात कर लेना, इससे बात कर लेना, सबको त्यागना पड़ेगा। वो जो पेन होता है ना, वो जो दर्द, वो सहना पड़ता है। बिना उस पेन, बिना उस दर्द को सहे कुछ नहीं मिलता। आशा करता हूँ आप आज से पढ़ना शुरू करेंगे, समझे? और जरूर सफल होकर मेरे पास आएंगे मिलने मुझसे कि सनी भैया मैं सफल हो गया। जय हिंद।